हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम अपनी शिक्षा निदेशालय की कक्षा 6 की विज्ञान विषय की वर्कशीट नंबर 8 हल करेंगे, जो कि 21 अक्टूबर 2020 की है। तो सबसे पहले बच्चों, आप यहां पर अपना नाम लिखेंगे और यहां पर अपना कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज की हमारी विज्ञान की वर्कशीट भोजन के घटक के विषय में है। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट में क्या है। संतुलित आहार। अच्छे स्वास्थ्य के विकास और रख रखाव के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व होने चाहिए जो हमारे शरीर को सही मात्रा में चाहिए। एक का बहुत अधिक और दूसरे का बहुत कम नहीं होना चाहिए। बच्चों, आप जानते होंगे कि जब भी हम खाना खाते हैं तो उससे हमें पोषक तत्व मिलते हैं, तो हमें ऐसा खाना खाना चाहिए जिससे सभी पोषक तत्व हमें सही मात्रा में मिले। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम कोई पोषक तत्व तो अधिक मात्रा में ले रहे हैं और कोई पोषक तत्व हम कम मात्रा में ले रहे हैं। बच्चों, हमारा जो खाना ऐसा होना चाहिए कि जिसमें सभी पोषक तत्व सही मात्रा में हों। वह आहार जिसमें पर्याप्त मात्रा में वृक्षांश और पानी के साथ सभी पोषक तत्व सही मात्रा में होते हैं, संतुलित आहार कहलाता है। तो बच्चों, यहाँ पर संतुलित आहार के बारे में बताया गया है कि ऐसा आहार, ऐसा भोजन जिसमें सभी पोषक तत्वों के साथ साथ वृक्षांश और पानी सही मात्रा में होते हैं, संतुलित आहार कहलाता है। बच्चों, अगर हम संतुलित आहार लेते हैं तो हमारे शरीर में किसी भी पोषक तत्व की कमी नहीं होती। संतुलित आहार लेने से हमारे शरीर में ना तो कोई पोषक तत्व ज़्यादा होगा और ना ही कम होगा। इसलिए हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि हम अपना आहार संतुलित रखें। तो बच्चों, अब आगे चलते हैं। सप्ताह की अवधि में आप जो भी खाते हैं उसका चार्ट तैयार करें। तो बच्चों, यहाँ पर आपको क्या करना है, एक सप्ताह में आप जो कुछ भी खाते हैं उसका एक चार्ट तैयार करना है, उनके नाम यहाँ पर लिखने हैं। अब बच्चों, क्योंकि आप सभी अलग अलग घरों में रहते हो और सबके घर में अलग अलग खाना बनता होगा, तो यहाँ पर सभी बच्चों के उत्तर भी अलग अलग होंगे। लेकिन फिर भी मैंने आपकी सुविधा के लिए कुछ इस प्रकार लिखा है। एक सप्ताह के अंदर जो हम खाते हैं, जैसे रोटी, सब्जी, दाल, चावल, फल, दूध, दही, सलाद, ब्रेड, मक्खन आदि। और यदि कोई बच्चा नॉनवेज खाता है तो वो इसमें चिकन, मटन, अंडा, मछली आदि भी लिख सकता है। अब आगे इसमें लिखा हुआ है, बच्चों जांचे कि क्या आपके द्वारा पहले अध्ययन किए गए सभी पोषक तत्व एक या दूसरे खाद्य पदार्थों में एक या एक दिन के भीतर खाए जा रहे हैं। तो बच्चों, आप जो अपना चार्ट तैयार करेंगे उसमें आपको ये खुद चेक करना है कि जो खाना हम खा रहे हैं क्या उसमें सभी पोषक तत्व हैं। और बच्चों, अगर नहीं है तो आगे से आप ये कोशिश करोगे कि आप जो भी खाना खा रहे हैं उससे आपको सभी पोषक तत्व प्राप्त हों। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। कुछ पोषक तत्व धोने और पकाने की प्रक्रिया में खो जाते हैं। चावल और दालों की बार बार धुलाई से उनमें मौजूद कुछ विटामिन और खनिज निकल सकते हैं। अब बच्चों, होता क्या है कि जब भी हम कुछ खाने की चीज़ बनाते हैं तो हम सबसे पहले उसको धोते हैं। चावल, दाल, इनको भी बनाने से पहले, पकाने से पहले धोया जाता है। लेकिन हमें इन्हें बार बार नहीं धोना है, क्योंकि जब बार बार धोया जाता है इन्हें, तो पानी के साथ इनमें जो विटामिन और जो खनिज पोषक तत्व मौजूद होते हैं वो पानी के साथ बह जाते हैं, निकल जाते हैं। फलों और सब्जियों को छीलने के बाद धोने से भी कुछ विटामिन और खनिजों का नुकसान होता है। और इसी तरह से बच्चों, जब हम फलों और सब्जियों को छीलने के बाद धोते हैं तो क्या होता है, पानी के साथ साथ फलों और सब्जियों में जो विटामिन और खनिज होते हैं वो भी निकल जाते हैं, बह जाते हैं।
इसलिए हमें क्या करना चाहिए, फलों और सब्जियों को पहले अच्छी तरह से धो लेना चाहिए और उसके बाद छीलकर खाना चाहिए या फिर बनाना चाहिए। बच्चों आप तो अपने घर में खाना बनाते नहीं होगे, तो आपको अपनी मम्मी को ये बात बतानी है कि मम्मी जब भी वो कोई फल या सब्जी बनाएंगी तो सबसे पहले उसे अच्छे से धोएंगी, ना कि उसे पहले छीलेंगी काटेंगी फिर धोएंगी। तो आज से सभी बच्चे अपनी मम्मी को ये इंस्ट्रक्शन देंगे कि मम्मी पहले आप सब्जी को अच्छे से धोइए और उसके बाद उसके छीलकर काटकर बनाइए। यदि खाना पकाने के दौरान अतिरिक्त पानी का उपयोग किया जाता है और फेंक दिया जाता है तो कई उपयोगी प्रोटीन और खनिज काफ़ी मात्रा में खो जाते हैं। इसमें क्या बताया गया है बच्चों कि कई बार क्या होता है कि हम खाना बना रहे होते हैं तो हम उसमें ज़्यादा पानी डाल देते हैं, और जब हमें लगता है कि इसमें पानी ज़्यादा हो गया है तो जो पानी फालतू गिर जाता है उस पानी को निकाल निकाल के फेंकते हैं। अब ये जो पानी हम फेंकते हैं उसमें भी कई पोषक तत्व, विटामिन, खनिज होते हैं। जैसे कि अगर कभी मानो हम दाल बना रहे हैं और हमारी दाल में पानी ज़्यादा गिर गया है तो हम क्या करते हैं, दाल हमारी पतली ना हो जाए तो हम उसमें से पानी निकाल निकाल के फेंकने लगते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो दाल के जो प्रोटीन या पोषक तत्व होते हैं वो भी उस पानी के साथ निकल जाते हैं। तो बच्चों हमें ऐसा नहीं करना है, हमें जब भी कोई सब्जी दाल कुछ भी बनाना है तो हमें उसमें उतना ही पानी डालना है जितने वो अच्छे से पक जाए। ज़्यादा पानी निकाल कर फिर उसको बार बार निकाल के नहीं फेंकना है। तो ये वाली बात भी आप अपनी मम्मी को बताओगे। खाना पकाने के दौरान गर्मी से विटामिन सी भी आसानी से नष्ट हो जाता है। कई घरों में क्या होता है बच्चों कि खाने को ना बहुत देर तक पकाया जाता है। लोग सोचते हैं कि जब तक हम खाने को बहुत देर तक नहीं पकाएंगे वो स्वादिष्ट नहीं बनेगा, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि स्वाद के चक्कर में वो खाने के अंदर जो विटामिन सी होता है उसे नष्ट कर रहे हैं। तो हमें खाने को ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है, जब वो अच्छे से गल जाए पक जाए उतना ही ठीक है। इसलिए तो बच्चों आप ये सब बातें अपनी मम्मी को भी बताएंगे। आगे देखते हैं, आइए देखें कि हमने क्या सीखा। सही कथन के आगे सही का निशान लगाइए। ए, सिर्फ चावल खाने से हम अपने शरीर की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। तो बच्चों आप बताइए क्या ये सही है कि सिर्फ चावल खाने से हमारे शरीर में सभी पोषण संबंधी आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी? नहीं, क्योंकि अगर हम सिर्फ चावल खाएंगे तो हमारे शरीर में बाकी दूसरे पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी। हमें कार्बोहाइड्रेट तो मिल जाएगा परंतु बाकी के जो प्रोटीन, विटामिन, पोषक तत्व होते हैं वो हमारी बॉडी को, हमारे शरीर को नहीं मिल पाएंगे। बी, आहार में फलों और कच्ची सब्जियों को शामिल करना चाहिए। सही, हमें अपना खाना खाने के अलावा हमें अपने आहार में फल और सब्जियां ज़रूर खानी चाहिए। तो जो बच्चे फल और सब्जियां नहीं खाते हैं, इस वर्कशीट को सॉल्व करने के बाद अब फल और सब्जियां खाने की आदत डालेंगे, क्योंकि फल और सब्जियां खाना एक अच्छी आदत है। दूसरा, खाना पकाने के दौरान कौन सा विटामिन ऊष्मा से आसानी से नष्ट हो जाता है? तो ये बच्चों हमने अभी पढ़ा था कि खाना पकाने के दौरान गर्मी से विटामिन सी आसानी से नष्ट हो जाता है। तो ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।